गोरखपुर क्लब में आयोजित ऊर्जा कर्मी योगी सम्मान कार्यक्रम में रविवार को सामाजिक सरोकार से जुड़े 20 लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर ऊर्जा कर्मी योगी सम्मान कार्यक्रम में पहुंची बॉलीवुड सिने अभिनेत्री महिमा चौधरी ने कहा कि आज ऊर्जा कर्मी योगी सम्मान कार्यक्रम में आई हूं। यहां पर 20 लोगों को चुना गया है जो ग्रास रूट लेवल पर कार्य करते हैं। गोरखपुर के बारे में बात करते हुए महिमा चौधरी ने कहा कि मैं 7-8 साल पहले आई थी गोरखपुर और तब से और अब में काफी फर्क नजर आया है। यहाँ पर अब विकास हो रहा है, क्राइम भी योगी जी के आने से काफी कम हुआ है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं जैसे एम्स फर्टिलाइजर कारखाना बन रहा है, काफी कुछ विकास हुआ है, काफी कुछ फर्क नजर आया है। मेरी इच्छा भी है कि मैं उनसे मिलूं, उनका आश्रम भी है यहाँ पर और मैं वहाँ पर जाऊँ। वही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिमा चौधरी ने कहा कि महिलाओं को लेकर एक बड़ा और सख्त कानून बनना चाहिए। इस अवसर पर शहर विशिष्ट और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऊर्जा कर्मी योगी सम्मान कार्यक्रम के फाउंडर अजय जायसवाल और बॉलीवुड सिनेमा की अभिनेत्री महिमा चौधरी ने कहा, काफी दूर है उन बच्चों को शिक्षा किया जाता है। एक सम्मान के लिए सोचा वो है नहीं समाज बोलते बन जाएगा, मैं उनकी बहुत पहचान नहीं है। ऊर्जा कर्मियों की सम्मान यहाँ होगा। ऊर्जा हमारे विशिष्ट अतिथियों का इस अवसर को अपनी यादों में अपने हृदय में सजो लेना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत के साथ जब कर्मियों के सम्मान के रूप में हमारे बीच कि उन लोगों के बीच में जब ज्वाला आकाश मंडले ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तु दे दीप मृत्यु अमृतंगम है। हम सभी की बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर, उससे पूर्व वो आगम करना जी आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। इतनी धूप गोरखपुर के आसपास के इलाकों से इन्होंने, मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, देखिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मन की ओर चाहे इच्छा करने की ओर सकते हैं, एक ऊर्जा है तो मेरा नाम है अजय कुमार जायसवाल। ये हम 20 कर्मयोगी को हम लोग चिन्हित किए हैं विभिन्न क्षेत्रों से और इनमें इनको सम्मानित किया गया है। ये क्राइटेरिया जो है ग्रास रूट लेवल के हैं, जिनके पास में आगे बढ़ने की क्षमता है, ऐसे लोगों को हम लोग ने चिन्हित किया है और उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिससे भविष्य में उनकी हैंड होल्डिंग करके उनके जो मिशन है, विजन है, उनके जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो हमारे बाकी भी नॉमिनीज हैं वो भी इसमें साथ में हैं, जितने भी लोग हैं सब मिल करके अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये ऊर्जा कर्म योगी सम्मान जो है ये उन लोगों को सम्मान दे रहे हैं, 20 लोग चुने हैं जो ग्रास रूट लेवल पे समाज सेवा कर रहे हैं और उसके बाद सम्मान के बाद भी एक तरह से इनको सपोर्ट मिलेगा यहाँ से और आगे काम करने के लिए। और एक खास सेक्शन इस प्रोग्राम में ये भी है जो हमारे एसिड अटैक्स हैं उसके ऊपर फोकस है और जो हमारी ये जो योगी जी ने एक फोर्स बनाई है उसकी वजह से एसिड अटैक्स कम हो गए हैं। हमारे कुछ विक्टिम्स हैं जो यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे और उसके ऊपर भी हम लोग एक जोर देना चाहते हैं कि इस टाइप के अटैक्स नहीं हों। यही कि उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी और उनका आश्रम है यहाँ, वहाँ जाना चाहूँगी और बहुत फ़र्क आया है उनके आने से, क्राइम बहुत कम हुआ है यूपी में एंड और क्या कहना चाहूँगी। एक बार मैं पहले आई थी गोरखपुर चुपचाप, कुछ 7-8 साल पहले निर्मा का शो हुआ था यहाँ पे तो हम लोग चुपचाप शो करके गए थे, तो मैंने आपका गोरखपुर शहर पहले भी देखा हुआ है, अब भी देखा है। अभी आते हुए मैंने एम्स देखा, बहुत बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ, तो मुबारक हो।
इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ रहा है जिसका इतना नाम है, देश में सबसे जाना माना इंस्टीट्यूट एम्स ही है, तो बहुत तरक्की हो गई है, हाँ तब्दीलियाँ आई हैं। बस ये है कि यहाँ पे क्राइम बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, सबसे यही गुजारिश है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो है वो है, हमारे देश में हमेशा औरत की पूजा की गई है, इसीलिए हमारे यहाँ सिर्फ दुर्गा माँ ही नहीं, लक्ष्मी ही नहीं, पार्वती ही नहीं, कितनी सारी माएँ हैं। तो सबसे पहले जब आपके घर में लड़का हो उसको एक ही चीज़ सिखाएं और वो है एक औरत की पूजा करना, उसके बाद अपना आप में शक्ति आएगी, देश में शक्ति आएगी। आई थिंक जिस दिन आपने एक औरत शक्ति को रिस्पेक्ट करना सीख लिया उस दिन ये देश देश कहलाएगा मायने में, हिंदुस्तान जो होना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं एसिड विक्टिम से मिली हूँ और मैंने देखा है कि इस साल भी कम से कम 25 अटैक हुए हैं, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। एंड इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादातर जो एसिड अटैक्स करते हैं वो आदमी ही होते हैं, तो आदमियों को सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत गहरा एक पनिशमेंट होना चाहिए, साथ साथ जैसे ही प्रूफ होता है कि इसने एसिड अटैक किया है उसको फांसी से लटका देना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सज़ा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बहुत जल्दी होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं एसिड अटैक्स के बारे में, रेप्स के बारे में, पर जब आप विक्टिम से मिलते हो तो एक अलग आप में एक गुस्सा होता है और एक आई डोंट नो, आई एम जस्ट सो अग्रेसिव अबाउट इट राइट नाउ कि यस कुछ होना चाहिए। एंड मैं सभी मीडिया वालों से ये गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ इस दबाव को गवर्नमेंट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर प्लीज़ थोड़ा दबाव डालिए कि इस पर जल्दी निर्णय लिया जाए, जो ये अटैक्स होते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, एक लॉ होना चाहिए जो एकदम से उनको फांसी पे चढ़ाए। जो लोग सेवा कर रहे हैं वो एक तरह से गुमनाम होते हैं एंड उनको आज सामने देखने के बाद और उनका सम्मान करने के बाद और आई थिंक लोगों को भी और फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इंस्पायरिंग होती हैं ये स्टोरीज़ कि ये लोग इतना काम कर रहे हैं, और जब सामने लाते हो आप लोगों के तो लोगों को आपको खुद एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंस्पिरेशनल इवेंट है और हर साल होना चाहिए, तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक सोचा, बिकॉज जिनको हम जानते हैं, जिन हीरोज़ को, स्पोर्ट्समैन को, उनको तो ऑनर मिलता ही है और लोगों की मुस्कुराहट और फैंस को देख के ही एक अलग सा एक खुशी मिलती है, लेकिन ये लोग जो समाज सेवा करते हैं इन लोगों को कभी वो वाह नहीं मिल पाती उस तरह से, और उनके लिए ये शो तैयार हुआ है और उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है और इंस्पायरिंग भी है हम सब के लिए। यही कहना चाहूँगी कि अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आके, और आप लोग बहुत अच्छा प्यार से वेलकम करते हो और आप इतने खुश होते हो हम यहाँ आते हैं, तो वो बात बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद। हाँ जी ज़रूर जाएंगे, कल जाएंगे। हाँ हाँ, आपने बस ब्रॉडकास्ट कर दिया तो पूरा गोरखपुर पहुँच जाएगा।